इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 दुर्भा, जिसमें हमें 14वां पाठ पढ़ना है। 14वां पाठ है बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्लय। ठीक है, केशव शंकर पिल्लय बच्चों के प्रिय। ये आपको QR कोड दिख रहा है, जिसे आप स्कैन करोगे तो इस चैप्टर का ब्यौरा और इसके उत्तर, प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको ऑनलाइन। ठीक है, और ये बुक भी मिल सकते हैं, लेकिन बुक के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का नाम दे दिया हूँ, लिंक दे दिया हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, प्ले स्टोर पर जाओगे, इंस्टॉल करोगे और आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और आप यूट्यूब पे जाकर आप इंद्रजीत स्टडी पॉइंट को जैसे सर्च करोगे, देखो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट को जैसे सर्च करते हो आप, तो जैसे आप इंद्रजीत स्टडी पॉइंट को सर्च करोगे तो ये खुलेगा इंद्रजीत स्टडी पॉइंट। इसको आप ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको बहुत सारे बुक मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे मैं देख लो, दुर्भा है, भारत की खोज है, कैम्ब्रिज इंग्लिश ट्रांसलेशन, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट है, जियोग्राफी फ्रेज है और बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। और एक दूसरा भी चैनल है, एडवर्टाइजिंग का चैनल है। ठीक है, तो चलिए फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, तुम डाक टिकट, पुराने सिक्के आदि जमा करते हो ना, मतलब डाक के टिकट और पुराने सिक्के को जमा करते हो ना। छोटी लड़कियों लड़कियां गुड़ियों का भी संग्रह करती हैं, मतलब गुड़िया का भी जमाती हैं, लेकिन ढेर सारी गुड़ियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो गुड़िया महंगी होती है, दूसरे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी किसी बड़े उम्र के पुरुष को गुड़ियों का संग्रह करते देखा है? हाँ, जो कठपुतली वाले होते हैं ना, वो गुड़ियों का संग्रह करते हैं। यहाँ मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ, यहाँ पे जा रही हूँ लिखा है, जिसने 5,000 से भी अधिक गुड़ियों का संग्रह किया है। सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन्न देशों से भिन्न भिन्न भांति भांति की रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह, मतलब अलग अलग प्रकार के खूबसूरत, एक से एक खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह रखा है। किसने? बच्चों के प्रिय श्री केशव जी ने। ठीक है, कौन? श्री केशव शंकर जी ने। जानते हो वे कितने सारे गुड़िया उनसे, मतलब जानते हो ये कितनी सारी गुड़िया उसने अपने लिए नहीं इकट्ठी की है, अपने लिए इकट्ठी नहीं की है, देश विदेशों के विभिन्न भिन्न भिन्न वेशभूषा में सजी अपने आप अपने अपने देश के तौर तरीकों वाले खूबसूरत गुड़ियाएं उसने भारतीय बच्चों के लिए ही जमा की है। इन गुड़ियों को उसने दिल्ली के एक विशाल संग्रहालय म्यूजियम में इस तरह सजा रखा है कि बच्चे उन्हें देख सकें। उन्हें बच्चों से प्रेम था इतना कि वह उनकी खुशी के लिए और भी बहुत सारे काम करते थे और सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में लगे रहते थे। इस व्यक्ति का नाम है केशव शंकर पिल्लय। ठीक है, वही शंकर पिल्लय जो लंबे समय तक संघर्ष विकली के लिए कार्टून बनाते रहे थे। और संघर्ष विकली मतलब एक संघर्ष सप्ताह में एक बार आता था, जिसके लिए कार्टून बनाते थे। ठीक है, ये देखो किस किस प्रकार का कार्टून उन्होंने बनाया है। बच्चों के लिए प्यारी प्यारी पुस्तकें और पत्रिकाएं निकालते थे, उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के बच्चे उन्हें जानते हैं।
बच्चे ही उनकी कमजोरी थे और बच्चे ही उनकी ताकत। ठीक है। केशव शंकर पिल्ले का जन्म 1902 में त्रिवेंद्रपुरम में हुआ था, लेकिन इसमें त्रिवेंद्रम है, त्रिवेंद्रम में हुआ था 1902 में। त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने मुंबई में सिंधिया शिपिंग कंपनी नाम वाले कंपनी के संस्थापक के निजी सचिव के रूप में नौकरी की। साथ ही साथ कानून का अध्ययन और चित्रकला का अभ्यास भी चलता रहा। कार्टून बनाना उनकी हॉबी थी। बॉम्बे क्रॉनिकल मतलब बॉम्बे, उस समय बॉम्बे होता था, मुंबई बोलते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल में उनके कुछ कार्टून छपे तो उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टून की नौकरी मिल गई। 1932 से 1946 तक, 1932 से 1946 तक उन्होंने वहाँ काम किया। वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट थे जिन्हें किसी पत्र ने पूरे समय के लिए नौकरी दी थी। देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों पर बनाए बनाए उनके कार्टूनों ने सभी का ध्यान अपने ओर खींचा और शंकर पिल्लै प्रसिद्ध हुए। प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती, उसे प्रकट होना ही था। और प्रतिभा को कोई छुपा नहीं सकता है, उसे प्रकट तो होना ही था। ये देखो किस तरह कार्टून बना रहे हैं। 1946 में वह इंडियन न्यूज क्रॉनिकल 1946 में मतलब 1946 में वे इंडियन न्यूज क्रॉनिकल में चले गए, जो अब इंडियन एक्सप्रेस आता है ना, इंडियन एक्सप्रेस है, ट्रेन वाला नहीं, न्यूज़पेपर भी आता है। फिर शीघ्र ही उन्होंने अपनी पत्रिका संकर्ष वीकली निकालनी शुरू कर दी और संकर्ष वीकली सप्ताह में एक बार निकालनी शुरू कर दी। यह अपने ढंग की पहली और अनूठी कार्टून पत्रिका थी। ठीक है। संकर्ष वीकली के बड़ा साहब और मेम साहब शीर्षक नियमित कार्टूनों में बड़े लोग के खोखली दुनिया पर हास्य व्यंग को बहुत पसंद किया जाता था। मतलब इसमें शीर्षक था मेम साहब और बड़ा साहब के बीच में जो नियमित कार्टून थे, जो खोखली दुनिया उनमें बना रखा था, हास्य व्यंग मतलब हंसने और तर्क देने वाले बहुत उस समय पसंद किए जाते थे, हंसने लायक और ताना देने लायक, वैसे ही चलन में थे। लगभग 25 साल पहले इन बड़े लोगों को इनके हाल पर छोड़ शंकर बच्चों की ओर झुक गए। उन्हें लगा ये सुंदर प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चे कितने अपेक्षित हैं, क्यों ना इनके लिए, इनकी खुशी के लिए ही काम किया जाए। कलाकार तो भावुक होते ही हैं। बच्चों के प्रति उनके मन में जो प्रेम उमड़ा, वे उन्हीं के ख्यालों में डूबते चले गए। उन्होंने पहली बार संकर्ष वीकली द्वारा 1948 में बाल चित्रकला प्रतियोगिता का विचार लोगों के सामने रखा। विचार नया था, बच्चों के हित का, इसलिए लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू को भी यह विचार अच्छा लगा। 1949 में पहली अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता हुई। कितना में? 1949 में अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता हुई। ठीक है। 1950 में संकर्ष वीकली के बाल विशेषक में श्री नेहरू ने लिखा था,
अनेक देशों के बच्चों कि यह फौज अलग अलग भाषा वेशभूषा में होकर भी एक जैसी ही है। कई देशों के बच्चे को इकट्ठा कर दो, या तो खेलेंगे या लड़ेंगे, और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी। वे रंग भाषा या जाति पर कभी नहीं लड़ेंगे। शंकर पिल्ले का उद्देश्य भी यही था, संसार भर के बच्चों को निकट लाना, संसार भर के बच्चों को पास लाना। ठीक है, इसके बाद हर वर्ष संकर्ष बाल विशेषांक निकालते रहे। हर वर्ष यह प्रतियोगिता होती रही और उसमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती रही और उसमें भाग लेने वाले बच्चे की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ी। ठीक है, संकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2.5 साल के 16 साल के बच्चे भारत के स्कूलों में तैयारी करते रहते थे। भारत के बाहर भी लगभग 100 देशों के बच्चे हर वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते थे। सन 1970 में 103 देशों के कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। कितना? 1970 में 103 देशों के 1,90,000 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। 18 देशों के 22 बच्चों ने नेहरू स्वर्ण पदक जीता था। कुल 482 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से 50 पुरस्कार लेखन के लिए और विशेष चित्रकला के लिए थे। 50। ठीक है, नेहरू जी जब तक जीवित रहे, इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बने और बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे। बच्चों के प्रतिभा के विकास में उनकी भी गहरी रुचि थी, इसलिए शंकर पिल्लई के इस कार्य को उन्होंने प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलाई। आज नई दिल्ली में चिल्ड्रन बुक स्टॉप बाल पुस्तकालय गुड़िया घर है, एक नया हॉबिंग सेंटर भी वहां पर है दिल्ली में। शंकर ने जिस तरह सभी देशों के सुंदर कलापूर्ण गुड़ियों की खोज की, उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई हजारों पुस्तकों का भी एक संग्रह किया। उनका स्थापित किया हुआ चिल्ड्रन बुक स्टॉक हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। इस पुस्तकों में भारत की लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां, मतलब उसके हित के लिए पौराणिक कथा, पुराने कथाओं को भी बताया गया है, तथा ज्ञान विज्ञान की कहानियां होती हैं, जिनके छपाई का स्तर बहुत ऊंचा है। भारत की सांस्कृतिक कि इन कहानियों को देश को सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है। देश में छपाई का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए वे प्रशिक्षण कोर्स भी चलाते थे और छपाई का तादाद बढ़े, प्रशिक्षण कराया जाता था कि छपाई का स्तर बढ़े। ठीक है, 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुड़िया उपहार में मिली, हंगरी देश से एक गुड़िया उपहार मिली। वह गुड़िया इतनी सुंदर थी कि शंकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विभिन्न देशों से ढेर सारी गुड़िया लाकर भारतीय बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर दी।
पहले उन्होंने अपनी गुड़ियों के इस संग्रह को कई जगह प्रदर्शनियां लगाकर बच्चों को दिखाया, मतलब प्रदर्शनी मतलब सामने रखकर बच्चों को दिखाया। जब गुड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो जगह जगह प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया। ऐसे में कीमती गुड़ियों के खराब हो जाने का भी डर था। तब शंकर ने मन में एक गुड़िया संग्रहालय बनाने का विचार किया, मतलब गुड़िया के लिए खिलौनों के लिए म्यूजियम बनाने का विचार उनके मन में आया। देश की राजधानी में बना विशाल गुड़िया घर उनके उसी विचार का परिणाम है। और दिल्ली में जो गुड़िया घर है ये श्री केशव शंकर के विचार का ही प्रतीक है कि आज वो टिका हुआ है। गुड़िया घर में अब एक वर्कशॉप भी खोल दी गई और गुड़िया घर में एक वर्कशॉप भी खोल दिया गया जहां भारतीय गुड़ियों का निर्माण होता है और फिर उन्हें विदेशी बच्चों को भेजा जाता है। हर साल उस गुड़िया घर को देखने वाले भारतीय बच्चों की संख्या 1 लाख से अधिक होती है। यहां लगभग 85 देशों की प्राचीन और आधुनिक गुड़ियों का आकर्षक संग्रह है। भारत के सभी राज्यों की गुड़िया यहाँ एकत्रित है। इनके माध्यम से बच्चे भारत के हर राज्यों के और विदेशों के रहन सहन, तौर तरीके, फैशन, वेशभूषा तथा रीति रिवाजों से परिचित हो सकते हैं। इस तरह उन्हें बताया गया था, जैसे रीति रिवाज, वेशभूषा मतलब कपड़ा, आभूषण, तौर तरीके से बच्चों को अवगत कराया जाए, मतलब बताया जाए गुड़ियों के माध्यम से। गुड़िया घर के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं, हेंगरी के उनी कातती वृद्धाएं, टार्की के संगीतज्ञ टोली, जो टार्की से आया था संगीत का टोली, स्पेन के प्रसिद्ध सांड से लड़ाई, और स्पेन में जो सांड से लड़ाई होती है वो, जापान का चाय उत्सव, काबुकी नर्तिका, इंग्लैंड का राज्य परिवार और शेक्सपियर जैसे कवि, अफ्रीका के आदिवासी, भारत के सांस्कृतिक झांकियां और देश विदेश के बच्चों का कक्ष, चंद तल पर मानव आदि। देखो, बच्चों का जो दिमाग होता है सोचने का, उसके बारे में जानने के लिए, संस्कृति के बारे में जानने के लिए उस कक्ष को देखने के लिए आते थे, चंद्रतल पर मानव आदि, चंद्रतल को भी देखते थे। अब चंद्रतल का मतलब देख लें क्या होता है। चंद्रतल का मतलब इसमें नहीं दिया गया है। चंद्रतल भी एक खिलौना है। चंद्रतल पर मानव आदि, ये गुड़ियाएं इतनी आकर्षित हैं, हंसती बोलती, काम करती, चलती फिरती, सजीव सी लगती है। मतलब हंसते खेलते चलते फिरते जीवित जिंदा लगता है। बच्चे इनके बीच जाकर घंटों खो जाते हैं। इस संग्रहालय को एक दिन में अच्छी तरह देखा भी नहीं जा सकता और इसे कई बार देखने पर भी मन नहीं भरता। बच्चों का भरपूर मन हो और देश विदेश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े। गुड़िया घर की स्थापना के पीछे शंकर का यही उद्देश्य था कि बच्चों की मानसिकता बढ़े, बच्चों को देश विदेश में स्थापित की गए रीति रिवाजों के बारे में मालूम चले। बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजना थी आर्ट क्लब।
आर्ट क्लब उसी समय से चालू हुआ, ठीक है। आर्ट क्लब और हॉबी सेंटर चलाना, भारत के बच्चे नमक पुस्तकों, भारत के बच्चे नामक पुस्तकों की एक लंबी सीरीज निकालना, और हर वर्ष छुट्टियों में 3-4 कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देना। अपनी इस योजना को वे बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे, जनतंत्र लोगों का मत। इस तरह केशव शंकर पिल्लय अपने बाल प्रेम और कृतियों से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो गए। दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार था, तो देश विदेश के लाखों बच्चों का प्यार भी उन्हें मिला। और ये आशा रानी बेवड़ा इन्होंने लिखा है, ये व्यक्तित्व है। अभी तक कहानी कविता पत्र पढ़ रहे थे, तो ये बुक व्यक्तित्व है, ठीक है। इसको लिखने वाले हैं आशा रानी बेहोड़ा। देखो कितनी अच्छी अच्छी गुड़िया है, चिड़िया है, देखा। ये शब्दार्थ है, आप इसे याद कर लेना, पढ़ लेना एक बार। इसके बाद देखते हैं प्रश्न, ये पाठ से प्रश्न उत्तर बनाना है, तरह तरह के काम भी इससे करना है, पढ़कर बताना है, घर के बारे में बताना है, घर से कुछ बताया गया है, संग्रहालय की चीजें, देखो ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, ठीक है। संग्रहालय मतलब होता है लाइब्रेरी। संग्रहालय की चीजें के बारे में आपको बताना है, जो आपको अपने पेरेंट और शिक्षकों की मदद से बनाने हैं। लड़ाई भी खेल जैसी, सुबह से शाम। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ, ठीक है। आप सभी का इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।